हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे आज जो हमारा डिस्कशन ऑफ टॉपिक है वो है पार्सर जो कि आपको पता है जब आप पार्सर की तैयारी कर रहे हो तो पार्सर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है एल आर पार्सर दैट इज द टेक्निक ऑफ द बोटम पार्सिंग तो हम इस वीडियो में सबसे पहले ये समझेंगे वाई वी नीड यूज ऑफ द एल आर पार्सर ठीक है अगर आपने पिछली वीडियो मेरी कंपाइलर डिजाइन की शिफ्ट रिड्यूस पार्सर हमने देखी है बॉटम ऑफ पार्सिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है तो थोड़ा सा उसकी डिटेल जरूर देख लेना ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगी ये वीडियो सो so, स्टार्ट करते हैं हम आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एल आर पार्सर एल आर पार्सर को समझने से पहले जैसे कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है इन केस ऑफ ऑपरेशनल एस आर एस आर का मतलब है शिफ्ट रिड्यूस पार्सर डिटरमाइन एस आर पार्सर हमने इससे पहले पढ़ा था जिसमें हमने क्या देखा था शिफ्टिंग एंड रिड्यूस दो टाइप के मेन ऑपरेशन होते हैं शिफ्ट करना एंड रिड्यूस करना शिफ्टिंग का मतलब है यू कैन शिफ्ट एनी इनपुट टू द स्टैक दैट इज द मीनिंग ऑफ द शिफ्टिंग यू कैन से यू कैन पिक द इनपुट फ्रॉम द इनपुट टेप एंड पुट इट इन द स्टैक दैट इज द मीनिंग ऑफ द शिफ्टिंग रिड्यूस का मतलब क्या है यू आर टॉकिंग अबाउट द बॉटम ऑफ पार्थिंग स यू कैन रिप्लेस फ्रॉम राइट हेंड साइड बाय द लेफ्ट मीनिंग ऑफ द रिडक्शन क्लियर सो यहां पर जो हम आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू एल आर पार्सर इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एस आर पार्सर में क्या क्या प्रॉब्लम हमारी आई थी जैसे कि हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमने देखी थी वहां पर वो क्या थी वेदर है, हैंडल अपियर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक ठीक है पहली चीज हमने देखी थी कि जो टॉप ऑफ दर करते थे reduction हमें नहीं पता चल रहा था प्रोडक्शन टू बी यूज वो हम देखते थे शिफ्ट रिड्यूस पार्सर में हमें रिडक्शन करना पड़ता था जब कभी भी हैंडल अपियर हो जाता था फिर उसके बाद हम देखते थे चॉइस ऑफ एक्शन टू बी मेड एट ईच पार्सिंग स्टैक तो कौन सा एक्शन हमें परफॉर्म करना है याद होगा आपको शिफ्ट रिड्यूस पार्सल में हमने चार एक्शन देखे थे चारों एक्शन का जो नाम था वो क्या था हमारा हमने देखा था चार एक्शन थे शिफ्ट सेकेंड था रिड्यूस थर्ड वन था हमारा एक्सेप्ट एंड द फोर्थ वन इज एरर तो ये चारों एक्शन हमने डिस्कस किए थे वहां पर तो उन चारों के बारे में हमने देखा था उसके बाद हम देख रहे हैं एल आर पार्सर जो हमारा इस वीडियो का मेन फोकस है जो मेन टॉपिक है हमारा इस वीडियो का कि वी नीड पार्सिंग तो ये कहता है कि ये जो इस टाइप की प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में हैंडल हमारा अपियर हो जाता था उसके बाद हम रिडक्शन करते थे रिडक्शन करने के बाद हमें चॉइस ऑफ एक्शन लेना पड़ता था हर एक पार्सिंग स्टेप पे आपको याद होगा हर स्टेप पर आप पार्सिंग स्टेप लगाते थे पार्सिंग स्टेप का मतलब है कि इनमें से हर पार्सिंग स्टेप में शिफ्ट होगा या एरर होगा। हर स्टेप पर चारों में से कोई, ना कोई एक ऑप्शन मेन वर्किंग इन द एस आर पार्सर बट एल आर पार्सर क्या है एल आर पार्सिंग प्रोवाइड ए सोल्यूशन टू अबव प्रॉब्लम ये जो प्रॉब्लम आई थी उसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करता है वो कैसे वो देखेंगे अभी हम जनरल एंड एफिशियंट पार्सिंग का ये थोड़ा सा अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो नहीं तो गेट नेट अगर किस टाइप के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत इजी में आपको डेप तक मीनिंग समझ में आ जाएगा कि वाई वी एल दर पार्सिंग क्लियर फिर उसके बाद समझते हैं कि यहां पर हम यूज करते हैं होते क्या है? का मतलब होता है कि यहां पर एक एल्गोरिथम हम बना देंगे इस टाइप के नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स होंगे अलग अलग पार्सर होंगे एल की चार टेक्निक हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में ठीक है वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे तो उनमें हर एक पार्सर के लिए अपना एक पार्सिंग टेबल बनी होगी पार्सिंग टेबल डिफरेंट होती है तो हर पार्सिंग टेबल के हम करेंगे। तो वो था है हमारा उसका मतलब क्या एल आर ब्रैकेट में लिखा हुआ है के देखिए जैसे कि एल एल वन हमने पहली वीडियो में पढ़ा था जिसमें हमने डिस्कस किया था टॉप डाउन पार्सिंग की टेक्निक तो यहां पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि एल फर्स्ट एल का मतलब क्या था याद करो तो फर्स्ट एल का मतलब था एल एल वन में लेफ्ट टू राइट सेकेंड एल का मतलब था डेरीवेशन एल एम डी एंड लुक एड सिंबल लुक एड सिंबल क्या करता था डिसीजन करता था कि कौन सा सिंबल आपको यूज करना है तो इसी तरह से एल आर बी है फर्स्ट एल का मीनिंग बिल्कुल सेम है लेफ्ट टू राइट ही है यहां पर भी लेफ्ट टू राइट है लेफ्ट टू राइट का मतलब है जो आप इनपुट टेप पर स्कैन करते हो वो कहां से स्टार्ट करोगे लेफ्ट से स्टार्ट करोगे और कहां तक चलते जाओगे राइट तक सेकंड जो अल्फाबेट लिख रखा है इसका मतलब है आर आर का मतलब है राइट मोस्ट डेरिवेशन डन इन रिवर्स ऑर्डर ये ध्यान रखना यहां पर ये मेन पॉइंट है राइट मोस्ट डेरिवेशन तो आप यूज करोगे मगर कहा कैसे यूज करोगे रिवर्स ऑर्डर रिवर्स का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ ठीक है तो इसलिए यहां पर रिवर्स ऑर्डर ये बोलता है ठीक है उसके बाद है जो ब्रैकेट में लिखा होता है जैसे यहां पर लिखा हुआ है वन यहां पर लिखा हुआ है के के का मतलब क्या है दैट इज द नंबर ऑफ लुक एट सिंबल यूज टू मेक डिसीजन कि आप आ, ये बताएगा कि आपको शिफ्ट करना है रिड्यूस करना है कौन सा एक्शन आपको परफॉर्म करना है ठीक है जी तो इस टाइप से हम एल आर के को डिफाइन करते हैं उसके बाद इसके जो

फाइन इट ऑटोमेटा सेम यहां पर भी इट जस्ट लाइक हम बनाएंगे कैसे बनाएंगे क्लियर करूंगा जी इट कैन रिकॉगनाइज वर्चुअली ऑलिंग लैंग्वेज तो यहां पर हम वर्चुअली कंस्ट्रक्ट करेंगे बेसिकली uh, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग यहां पर रिकग्नाइजेशन होता है तो एल एन पार्सल के थ्रू हम रिकोगनाइज कर सकते हैं दैट इज इंप्लीमेंटेड वेरी एफिशियंटली बिल्कुल सिंपल एफिशिएंटली हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं यहां पर ध्यान रखना जो इसकी क्लास होती है एल आर ग्रामर प्रॉपर सेट कहने का मतलब है कि एल एल वन अगर ये है तो इसकी जो सुपर सेट होगी वो होगी एल आर ठीक है प्रॉपर सुपरसेट प्रॉपर सुपरसेट का मतलब है कि एल एल जो है वो प्रॉपर सबसेट है एल आर का ठीक है जी तो ये होता है हमारा मेन पॉइंट है ये इट कैन डिटेक्ट ए सिंटेक्स एरर

जो आ, कई बार आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है या आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मेन डिफरेंस हमारा में भी बताया हुआ है इसकी एक ही डिसएडवांटेज है वो क्या है जब हम एल आर पार्सर को करते हैं और एल को करते हैं एल में वर्किंग जो है वो ईजी है मगर यहां पर थोड़ा सा वर्क जो है जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं पार्सर को तो वो थोड़ा सा स्पेसिफाइड टूल यूज करते हैं हम एलआर पार्सर जनरेटर उसके थ्रू जो है हमें काफी टाइम लग जाता है काफी वर्किंग बढ़ जाती है ठीक है तो यही डिसएडवांटेज है एलआर पार्सर की अब उसके बाद यहां पर छोटा सा एक मॉडल बनाया हुआ है तो मॉडल जैसे कि हमने एलएल में भी डिस्कस किया था इसी तरह से हम यहां पर भी डिस्कस कर रहे हैं तो देखिए एलआर पार्सर ड्राइवर है एलआर पार्सर ड्राइवर क्या करता है सारा वर्क यही इसी का ही है वो क्या करता है पार्सिंग टेबल से देखिए याद करो एलएल में भी हमारे दो पार्ट होते थे फर्स्ट फंक्शन एंड फॉलो फंक्शन जस्ट लाइक सिमिलर पार्चिंग टेबल में यहां पर एक एक्शन पार्ट होगा एक गो टू पार्ट होगा ठीक है जी इसी तरह से हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे to, जैसे कि टेबल में वहां पर हम करते कैसे करेंगे वो मैं, मैं भी अगली वीडियो में स्टैक एक स्टैक होगा हमारा स्टैक में क्या होता है ओब्बियसली लास्ट इन फर्स्ट आउट टॉप ऑफ द स्टेक से हम परफॉर्म करेंगे इनपुट टेब से हम कोई भी इनपुट को अगर मैं यहाँ पर पुष्ट कर रहा हूं तो ये होगा शिफ्टिंग अब यहां पर नॉन टर्मिनल को हम रिप्लेस कर रहे हैं तो वो होगा रिडक्शन ठीक है सो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ द मॉडल ऑफ द यू कैन से ब्लॉक डायग्राम ऑफ द एलआर पार्सर सो इसी तरह से हम कंटीन्यूअस वीडियो में समझते जाएंगे मैं बहुत बड़ी-बड़ी वीडियो ना बना के बहुत छोटे-छोटे वीडियो बना के आपको क्लियर कर रहा हूं कि एक-एक मीनिंग एक-एक पॉइंट कि क्या-क्या हमारा एलआर पार्सर में हम इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ठीक है तो इसी को हम नेक्स्ट में कंटिन्यू रखेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ टाइप्स के पार्सर होते हैं उसको वन बाय वन हम पार्सर को डिटेल में डिस्कस करेंगे उसकी डिजाइनिंग करेंगे डायग्राम डिनोट करेंगे तो इसी तरह से आप देखते रहो बहुत ईजी वे में आप क्लियर करते जाओगे सो थैंक यू थैंक्स टू ऑल प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए ओके okay.